नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा समाचार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी व सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने का किया स्वागत। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने की सूचना संसद में दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और सर कार्यवाह सुरेश जोशी ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि सरकार के साहसपूर्ण कदम का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हित के लिए अत्यधिक आवश्यक था। सभी को अपने स्वार्थों एवं राजनैतिक भेदों से ऊपर उठकर इस पहल का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। समस्त गांव की रक्षा के लिए जब 17 वर्षीय स्वयंसेवक मनोज चौहान ने त्याग दिए अपने प्राण। 17 वर्ष की छोटी आयु में संकट के समय किसी भी किशोर के मन में स्वयं को या अपने परिजनों को सुरक्षित करने का ही विचार आ सकता है, लेकिन प्राणों को संकट में डालकर पूरे गांव को सुरक्षित करने का साहस और समर्पण एक स्वयंसेवक ही दिखा सकता है। 1 अगस्त 2005 को इंदौर में कच्चे पक्के मकानों की बस्ती मारुति नगर रात के समय भीषण बाढ़ की चपेट में आ गया। लोग गहरी नींद में थे। जब हाहाकार मचा तो सब लोग अपने बच्चों, पशुओं और सामान की सुरक्षा में लग गए। इसी बस्ती में 17 वर्षीय मनोज चौहान रहता था। मनोज वहां लगने वाली संघ की शाखा का मुख्य शिक्षक था। वह घातक हृदय रोग से पीड़ित था। चिकित्सकों ने उसे अत्यधिक परिश्रम करने से मना कर रखा था, लेकिन मनोज ने परिवार को ऊंचे स्थान पर जाने को कहा और स्वयं पानी में फंसे लोगों को निकालने लगा। उसने 30 लोगों की जान बचाई। मनोज के साथ शाखा के सब स्वयंसेवक भी जुड़ गए। पूरी बस्ती मनोज का साहस देखकर दंग थी। उसने साथियों के साथ पूरी रात सेवा कार्य किया, लेकिन इस परिश्रम से मनोज के फेफड़ों में पानी भर गया। बेहोशी की हालत में उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, पर 5 अगस्त को उसने प्राण त्याग दिए। उसके इस सेवा कार्य के लिए 26 जनवरी 2006 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मनोज चौहान को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। आज भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई की पुण्यतिथि है। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 10 जून 1890 को असम के नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष कैद की सजा दी गई। स्वतंत्रता से पूर्व जब भारत के विभाजन की बात चल रही थी, तब असम में सत्ता की बागडोर बोरदोलोई के हाथ में थी। उनके अड़े रहने के कारण ही आज पूरा असम भारत का अभिन्न अंग है। अंग्रेजों ने तो असम के कुछ हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने की योजना बनाई थी और कांग्रेस भी इससे सहमत थी। पूर्वी पाकिस्तान आज स्वतंत्र बांग्लादेश है। गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन 60 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 1950 को गुवाहाटी में हुआ था। आज ओजस्वी कवि शिव मंगल सिंह की जयंती है। 5 अगस्त 1916 को उनका जन्म उन्नाव के ग्राम झगरपुर में हुआ था। वर्ष 1940 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा 1950 में DLit की उपाधियां लेकर उन्होंने अध्यापन शुरू किया। नेपाल के भारतीय दूतावास में संस्कृति सचिव रहते हुए उन्होंने नेपाल तथा विश्व के अन्य देशों में भारतीय साहित्य के प्रचार व प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 से 1983 तक वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। सरल स्वभाव के सुमन जी की रचनाओं में निर्धन और निर्बल वर्ग की पीड़ा सदा मुखर होती थी। स्वाधीनता के संघर्ष में सहभागी बनने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी हुआ। एक बार आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जब पट्टी खोली गई तो सामने क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। आजाद ने उन्हें एक रिवॉल्वर देकर पूछा, क्या इसे दिल्ली ले जा सकते हो? सुमन जी ने इसे सहर्ष स्वीकार कर रिवॉल्वर दिल्ली पहुँचा दी। भारत और भारतीयता के प्रति गौरव की भावना उनकी रचनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देती थी। उन्हें साहित्य अकादमी, पद्मश्री, पद्मभूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले। शिव मंगल सिंह सुमन का निधन 86 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड में पर्यावरण और जल संरक्षण की मुहिम छेड़ेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उत्तराखंड विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर आरबीएस रावत को प्रांत प्रमुख और पाणी राखो आंदोलन के प्रणेता सच्चिदानंद भारती को सह प्रांत प्रमुख का जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने फरवरी में इंदौर में संघ की बैठक में पर्यावरण एवं जल संरक्षण को संघ की गतिविधि में शामिल करने की घोषणा की थी। मार्च में ग्वालियर में हुई संघ की प्रतिनिधि सभा में इस पर मोहर लगाई गई। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।